मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। बार बार हाथों को सैनिटाइज करना भी ओसीडी का ही लक्षण है। कैसे, आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के बेहद दमदार खास स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना काल ने ओसीडी की रफ्तार बहुत तेज कर दी है। ओसीडी का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी महानुभाव हैं जो बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहते हैं, बार बार लोग को सैनिटाइज करते हैं, मोबाइल को सैनिटाइज करते हैं या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को सैनिटाइज करते रहते हैं, तो ये भी ओसीडी है, ये भी ओसीडी का ही रूप है। लेकिन जो ऐसा बार बार करते हैं वो अभी मेरी इस बात से एग्री शायद ना करें, वो कहेंगे जोधपुरिया जी ये आप गलत कह रहे हो, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना कोरोना से बचाव का तरीका है, ना कि ओसीडी का लक्षण है। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगर आप एक बार से ज्यादा या बहुत बार हाथों को सैनिटाइज करते हैं, जैसे आपने मोबाइल को छुआ, मोबाइल को हाथों को सैनिटाइज कर देते हैं, किसी दरवाजे के हैंडल को छुआ, दरवाजे के हैंडल को और हाथों को सैनिटाइज कर देते हैं, ऐसा आप दिन में 5 या 6 दफा करते हैं, तो ये बीमारी से बचाव का नहीं ओसीडी का लक्षण है। लेकिन आपको अब सियाने बनने की जरूरत नहीं है, इलाज लेने की जरूरत है, वरना ये कंटेमिनेशन ओसीडी में डायरेक्ट बदल जाता है, क्योंकि बार बार जो सैनिटाइज हाथों को करते रहते हैं वो सीधे के सीधे 95% कंटेमिनेशन ओसीडी डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि फिर आप हाथों को पानी से भी धोने लग जाएंगे, फिर साबुन से धोने लग जाएंगे, फिर कपड़ों को धोने लग जाएंगे, घर को धोने लग जाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को धोने लग जाएंगे, तो ये बन जाती है कंटेमिनेशन ओसीडी। तो अगर आप 5-6 बार हाथों को सैनिटाइज कर लेते हैं, सामान को सैनिटाइज कर लेते हैं, तो समझ जाइएगा कि आप ओसीडी की गिरफ्त में आ ही चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आ रहे हैं, क्योंकि 5-6 बार अगर आपने साफ कर लिया तो आप ओसीडी की गिरफ्त में आ गए। अगर आप एक ही बार सैनिटाइज करते हैं या किसी मरीज से मिले या सस्पेक्टेड केस से मिले, जिसको खांसी है, जुखाम है या कोरोना से सस्पेक्टेड कोई केस है, उससे हाथ मिलाया, उससे टच हुए और आपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया और फिर आप काम पर लग गए, आपके मन में भी नहीं है, फिर तो ये नॉर्मल व्यवहार है, ये ओसीडी वाला व्यवहार नहीं है। लेकिन भी ऐसा एक्सपोजर किया नहीं है, किसी इंसान से नहीं मिले हो, बस बाहर से किसी दरवाजे को छू लिया, ऐसे ही नॉर्मल इंसान को छू लिया, किसी ऑब्जेक्ट को छू लिया, उसके बाद सैनिटाइज करने लग जाते हैं, तो ये ओसीडी का लक्षण है, ये बुद्धिमान इंसान का लक्षण कतई नहीं है। इसमें शाने बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाने लोग ही तो ज्यादा ओसीडी के शिकार होते हैं। लेकिन आपको इतना ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है कि आपको बीमारी गले पड़ जाए और फिर जोधपुरिया से इलाज लेना पड़े। तो मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूं कि बार बार आपने हाथों को या सामान को सैनिटाइज बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप ओसीडी की चपेट में आ ही जाएंगे। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आपके अंदर कुछ ही समय में कंटेमिनेशन ओसीडी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हजारों लोगों से मैंने बात की है और हजारों लोगों का ट्रीटमेंट भी किया है जो कोरोना के कारण ओसीडी की गिरफ्त में आ चुके हैं और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना काल तो चला जाएगा, कोरोना का डर तो चला जाएगा, लेकिन आपको सौगात में दे जाएगा ओसीडी की बीमारी। तो कोरोना से बचाव के तरीके और बहुत सारे हैं, उन तरीकों को मैं आज की इस वीडियो में बताने नहीं जा रहा हूं। उससे संबंधित सरकार ने बहुत बड़ा अच्छा प्रचार किया है, बहुत सारी सरकार की अच्छी अच्छी सेवाएं हैं, विज्ञापन सरकार बहुत ज्यादा कर रही है, अवेयरनेस बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी व अन्य सामाजिक कर्मी फैला रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कोरोना से बचाव के तरीके सुझाए हैं और वैक्सीनेशन भी इसका एक प्रॉपर आज का ही माध्यम है। लेकिन कोरोना के अत्यधिक डर के कारण आप ओसीडी की ग्रिप में जो जा रहे हैं, उससे बचाने का दायित्व मेरा है। अगर आपको मेरी बातें जच रही हैं और आप भी बार बार सैनिटाइज सामान को हाथों को कर रहे हैं, तो कृपया एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर लें और आप ओसीडी जैसी भयानक
जिद्दी बीमारी से बच जाएंगे। के इलाज के लिए बेस्ट से बेस्ट थेरेपीज हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और भागवत गीता थेरेपी। इन थेरेपीज के माध्यम से OCD को चंद घंटों में ही ठीक कर दिया जाता है। चंद घंटों की ऑनलाइन काउंसलिंग और OCD से मुक्ति हमेशा के लिए। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।